नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72। मैं आरके राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश प्रदेश में कोरोना विकराल रूप लेता ला रहा है। देश में लगभग मरीजों की संख्या बहुत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जा रहा है। नए नए जिलों से नए नए केसेस निकल रहे हैं। लगातार एक बार में 4,000-5,000 छत्तीसगढ़ के दिन के आंकड़े हैं। मौतें भी काफी हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के ब्राह्मणपाड़ा वार्ड की पार्षद श्रीमती सरिता आकाश दुबे जी द्वारा निःशुल्क कोरोना टीका का अभियान चलाया गया है, शिविर लगाया गया है नवीन कन्या सरस्वती शिशु मंदिर में। ब्राह्मणपाड़ा पुरानी बस्ती में ये वार्ड आता है। लोगों का अधिकतम आयु 45 वर्ष से ऊपर की को लोगों को ही यहाँ पर कोविड का टीकाकरण लगाया जा सकता है। इसमें जितने भी जो कम एज के जो उम्र के बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उन्हें नहीं लगाया जाएगा। जिनका 45 वर्ष से ऊपर है उन्हें यह टीका लगाया जाएगा। जानेंगे आज के इस विषय में क्या क्या चीज़ हो रही है, कितने लोगों को टीकाकरण लग गया है, कितना बाकी है। जहाँ तक ये कार्यक्रम दो शिविर का था, दो अप्रैल और 3 अप्रैल, लेकिन मरीज आ रहे हैं कोविड वैक्सीन लगाने के लिए। एक जागरूकता का मैसेज गया है, उसको देखते हुए हो सकता है ये 3rd, 4th और 5th चरण में भी होगा। जहां तक आज 3 तारीख है, 3 अप्रैल है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने लोगों को टीकाकरण लगा है, कितने लोगों को नहीं लगा। हमारे साथ ब्राह्मणपाड़ा वार्ड की पार्षद श्रीमती सरिता आकाश दुबे जी जुड़ चुके हैं। जानेंगे इस कोरोना निःशुल्क कोरोना टीकाकरण को कैसे देखते हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है मैम, जिस प्रकार से कल और आज में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो देखिए, कल जब हम लोग यहाँ पे पहला अपना दिन शुरू किए थे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे यहाँ पे लगभग 240 लोग अपनों लोगों ने टीकाकरण कराया है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये देखने में आया है कि जैसे बाहर जा रहे थे तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। उन लोगों ने बोला कि बाहर पे गए हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, प्लस वहाँ पे सैनिटाइज और इतनी सबकी सुविधा नहीं है, धूप में खड़े हैं। और यहाँ पे जब हम लोगों ने अपनी व्यवस्था किया तो इसे देख के काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पे बराबर से सबको बैठने का जगह मिला है, हवा पंखा सब है, इन लोगों के पास पानी की व्यवस्था है और बड़े कंफर्टेबल होके बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, मास्क लगाए हैं और सैनिटाइजर भी कंप्लीट इन लोग यूज़ कर रहे हैं। मैम, 2 तारीख से ये चालू हुआ था, 2 अप्रैल से, इसके आगे और लंबा जी चलेगा शिविर या पिंड रहेगा? नहीं, चलेगा। यहाँ का जो रिस्पांस जो बहुत ही अच्छा मिला है, आप देखेंगे रिकॉर्ड ब्रेक है, 240 के लगभग एक दिन में अगर आके लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जिसको देख के महापौर जी खुद स्वयं यहाँ पे अभी आए थे दोपहर को देखने के लिए कि यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। और यहाँ पे जब देखें कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, आज सेकेंड डे है, उसमें भी लगभग मेरे को उम्मीद है कि हम लोग का आज भी कम से कम बहुत ज़्यादा 250 के करीब तो जाएगा ही जाएगा। और इसको देखते हुए हम लोगों ने एक दिन और बढ़ाया हुआ है, तो जो 2-3 तारीख किया था उसको 4 के एक्सटेंड कर दिए। बहुत अच्छी पहल है मैम, कोविड के समय में ऐसे निःशुल्क कोरोना टीकाकरण को आप बढ़ावा दे रही हैं। धन्यवाद हम जुड़ने के लिए, और आप सभी देखते रहिए न्यूज 72। कैमरामैन गोविंद।